Hello students, today we will complete all the illustration of the chapter dissolution of a partnership firm. So let's start our illustration for the one. If total assets are 5 lakh rupees, total liabilities are of rupee 1 lakh, amount realized on sale of assets is 4 lakh 20,000 rupees and realization expenses are 5,000 rupees. What will be the profit or loss on realization? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. अब तक इतने बड़े बड़े क्वेश्चन कर लिए तो इस क्वेश्चन में तो कुछ रह ही नहीं गया. ये 1 या 2 मार्क का कंसिडर कर सकते हो कि एग्जाम में आ सकता है. टोटल एसेट्स दी हुई है, टोटल लाइबिलिटीज दी होती है. वी नो कि टोटल एसेट्स को डेबिट साइड पोस्ट किया जाता है, टोटल लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड. ये बुक वैल्यू गिवन है ना. बिकॉज अब एसेट्स बेच कर 4 लाख 20 है तो बाय बैंक एसेट रियलाइज 422, एक्सपेंसेस जो हैं वो 5000 के पे किए तो यहाँ आ जाएंगे. एंड वी नो कि अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं कहा तो हमारी अजम्पशन चलेगी कि लाइबिलिटीज तो सारी की सारी पे ऑफ कर दी गई है. दैट इज वाई टू बैंक 1 लाख. इन दिस वे वी कैन फाइंड द डिफरेंस. इफ द डिफरेंस इफ द डेबिट साइड इज हैवियर देन क्रेडिट साइड देन द डिफरेंस विल बी अ लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट. इफ क्रेडिट साइड इज हैवियर देन डेबिट देन द डिफरेंस इज प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन. हाउएवर इन दिस क्वेश्चन रियलाइजेशन पर लॉस हो रहा है. यही आपको बताना था कि कितना होगा प्रॉफिट या लॉस रियलाइजेशन पर. सो द लॉस ऑन द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स रियलाइजेशन ऑफ फर्म इज 85,000 रुपीज. इजंट इट इजी. नाउ लुक एट द इलस्ट्रेशन 42. डेटर्स अपियरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ फर्म वर एज फॉलो. यहाँ डेटर्स दिए एंड साथ ही साथ प्रोविजन दिए 1,90,000 का. ऑन डिसोल्यूशन बैड डेब्ट्स वर 25,000 and remaining debtors were realized at 5% discount. How much amount was realized from debtors? ये तो बहुत ही बेसिक सा पॉइंट पूछा गया है. देखो 2 लाख के डेटर्स हैं, 25,000 के बैड डेप्ट हो गए तो कितने बचे? 1,75,000. अब 1,75,000 को भी हम क्या दे रहे हैं? 5% डिस्काउंट. तो 1,75,000 का 5% कैलकुलेट कर जिससे अमाउंट आएगी 8,750. अब 1,75,000 में से 8,750 माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगी वो क्या होगी? फाइनल अमाउंट जो रिसीव होगी 1,66,250 अमाउंट रिसीव फ्रॉम द डेटर्स. इलस्ट्रेशन 43. पी एंड क्यू वर पार्टनर्स इन अ फर्म. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म आफ्टर various assets and external liabilities have been transferred to realization account. X, an unrecorded creditor of 10,000 were paid by a partner P at a discount of 20%. 10,000 के unrecorded creditor थे, ठीक है, जो XX नाम के creditor थे, उसे किसने pay कर दिया? P ने पे कर दिया 20% डिस्काउंट पे. सो 10,000 का 20% 2,000 और अल्टीमेटली P ने कितना पे किया? 8,000. बिकॉज P लाइबिलिटी लेकर गया है, फर्म के क्रेडिटर्स लेकर गया, चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो चाहे रिकॉर्डेड हो, द मैटर इज की P फर्म की लाइबिलिटी लेकर गया है. तो P तो एक पार्टनर है, डेफिनेटली उसकी कैपिटल इंक्रीज होनी चाहिए. एंड वी नो कि जब कोई पार्टनर ले जाते हैं नहीं कुछ भी एसेट लाइबिलिटी जो भी कुछ होता है, अब वी कैनॉट यूज़ द नेम बिकॉज ये सब तो ऑलरेडी जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है और ये सब नाम ख़त्म हो जाते हैं. अब हमारे पास एक ही नाम रह जाता है, वो है रियलाइजेशन. तो वी विल यूज़ दैट नेम. जनरल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू P's capital account. And definitely you will explain it in narration. The final amount paid by P is 8,000. That is why P ki capital bhi 8,000 se increase ho. Next, Y, an unrecorded creditor of 25,000 took over computer at 30,000. Balance was paid by him in cash. Now this is interesting. Y क्रेडिटर था 25,000 रुपीस का, जो एक कंप्यूटर फर्म के एक एसेट 30,000 की ले गया. तो जो वो ज़्यादा का लेके गया ना, देने तो 25 थे बट देखे कितने कंप्यूटर कितने का ले गया? 30,000 का. और बैलेंस जो है 5,000 रुपये का जो डिफरेंस है वो Y पे कर रहे फर्म को.
फर्म के पास पैसा आ रहा है, बैंक बढ़ रहा है, किस वजह से पे कर रहा है? कंप्यूटर वो ज़्यादा महंगा ले गया, कंप्यूटर की एक तरह से वैल्यू को पे कर रहा है जो बची हुई वैल्यू है, बट वी कैन नॉट यूज़ द टर्म कंप्यूटर, नीदर वी कैन यूज़ द टर्म क्रेडिटर, सो हियर वी विल यूज़ द टर्म रियलाइजेशन. सो द जर्नल एंट्री विल भी पैसा आ रहा है, दैट इज़ वाई बैंक विल इंक्रीजेस. और जब बैंक इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं? डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी? रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट. अगर पोस्ट करना हुआ तो हावेवर यहाँ पर हमें क्या करना है? सिर्फ जर्नल करना. नेक्स्ट इज कंप्यूटर ऑफ 25,000 एंड अ व्हीकल ऑफ 10,000 वर अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बट नो अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग दीज आइटम. नाउ हियर वी विल यूज द अजम्पशन. अगर किसी एसेट की कोई वैल्यू नहीं दी कि कितने से उस कितनी रियलाइज्ड वैल्यू थी, वी विल अज्यूम उसकी वैल्यू जीरो थी. ठीक है, हम ये अज्यूम करेंगे उससे हमें कुछ रिसीव नहीं हुआ, जीरो रुपए रिसीव हुए. हाउएवर अगर यही सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ लाइबिलिटी होती, बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी गिवन होती, देन वी विल अज्यूम कि हमने पूरी की पूरी पेमेंट किया. ठीक है, अजम्पशन जो हमने स्टार्टिंग में की थी वहाँ वही अजम्पशन यहाँ यूज होगी. सो दैट इज वाई वी विल डू नो एंट्री इन दिस. फोर्थ, अ क्रेडिटर टू हुम रुपी 10,000 वर टू बी पेड एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. तो यहाँ पर डील हो गई, क्रेडिटर एसेट लेकर चला गया. यहाँ भी याद होगा जब एक क्रेडिटर एक एसेट लेकर चला जाए तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. और ऐसी एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? कहीं भी नहीं. An unrecorded asset of 35,000 was given to an unrecorded creditor of 50,000 in settlement of his claim of 30,000 rupees, and the balance was paid to him in cash. 50,000 का creditor था और एक asset ले गया 35,000 की, but वो ये मान रहा है कि उसके इस asset को ले जाने से उसका 30,000 का claim पूरा हुआ, तो बाकी का जो उस creditor का claim बचा वो 20,000 का बचा. यहाँ ये याद रखना है कि ये मैटर नहीं करता वो कितने की एसेट लेकर गया, मैटर ये करता है कि उसने कितने की अज्यूम करी. यहाँ वो अज्यूम कर रहे हैं इस एसेट को 30,000, और वो कह रहे हैं कि मेरे 30,000 रुपीज सेटल हो गए विद दिस अनरिकॉर्डेड एसेट, बाकी के 20,000 है वो मुझे पे करने पड़ेंगे तुम्हें. सो हियर बैंक विल गॉट क्रेडिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल बी डेबिटेड. द एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. नेक्स्ट वन इज पीज लोन वॉज अपियरिंग ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट एट 50,000 रुपीज. पी जो एक क्या था पार्टनर है, उसका लोन भी है बैलेंस शीट में 50,000 का. ही एक्सेप्टेड एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 40,000 एट 35,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड टू हिम इन कैश. एक 40,000 की एसेट रिसीव कर ली. अगेन ये मैटर नहीं करता कि 40 की थी, 30 की थी, 35 की थी, मैटर ये करता है कि वो अपना कितना लोन सेटल कर रहा है उस एसेट के अगेंस्ट. उस एसेट के अगेंस्ट वो 35,000 का लोन एक्सेप्ट कर रहा है. कितने का लोन बचा? 15,000 का. तो 15,000 की पेमेंट उसे बैंक के थ्रू कर दी जाएगी. सो द कंबाइंड जर्नल एंट्री विल बी पी का लोन खत्म हो रहा है, लाइबिलिटी खत्म हो रही है, तो जब लाइबिलिटी खत्म होती है उसे डेबिट करते हैं टू रियलाइजेशन. हमने यहाँ रियलाइजेशन इसलिए यूज़ किया क्योंकि वो फर्म की एसेट लेकर जा रहा है, और इसके लिए एसेट का नेम यूज़ कर नहीं सकते, तो एसेट की जगह क्या यूज़ करेंगे? रियलाइजेशन एंड 15,000. सो द टोटल पेमेंट ऑफ पी इज ले, पी के लोन की पूरी पेमेंट कर दी गई है. ये इलस्ट्रेशन कंप्लीट होता है, बगला देखते हैं. ऑल दीज आर दी ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग अमन एंड हर्ष बिजनेस. इन दिस वी आर सपोज टू पास जर्नल एंट्री. देयर आर फर्नीचर वर्थ रुपी 50,000. अमन हु इज एक्चुअली अ पार्टनर टू कवर 50% ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन बुक वैल्यू. अब यहाँ पर कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो 50,000 का फर्नीचर है, राइट? इसके टू पोर्शन करेंगे, एक 50% और दूसरा भी 50%. ये 50% अमन लेकर जा रहा है, और कितने पर? 10% डिस्काउंट. पहले 50% अमाउंट कितनी हुई? 25,000 हियर, 25,000 हियर. ये 10% डिस्काउंट पे लेकर जा रहे हैं, यानी कि जो अमन है वो 22,500 रुपये का फर्नीचर कंसीडर कर रहे हैं कि मैं इतने अमाउंट का लेकर जा रहा हूँ. तो अमन की कैपिटल 22,500 से इफेक्ट होगी, और जो बाकी की बचा हुआ फर्नीचर है वो मार्केट में बेचा तो उस पर 30% बेनिफिट हो गया. तो 25,000 का 30% मतलब
7500, तो 7500 एक्सेसिव वैल्यू पर सेल हुआ, 32500 का सेल हुआ। तो आपके अकॉर्डिंग क्या जर्नल एंट्री बनेगी? अमन की कैपिटल कम होगी क्योंकि अमन एसेट लेकर जा रहा है, अमन्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, एंड पैसा भी आ रहा है क्योंकि मार्केट में सेल भी किया है, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड टू एसेट जा रही है, वी कैनॉट यूज़ द नेम ऑफ एसेट, इंस्टेड ऑफ दैट वी विल यूज़ द वर्ड रियलाइजेशन। कैपिटल कम हुई 22,500 से, बैंक आया 32,500 का, सो द टोटल विल बी 55,000। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वॉज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। पी एंड एल बैलेंस था 15,000 का जो पार्टनर में डिवाइड कर दिया। ये तो बहुत सिंपल है, अगर कोई प्रॉफिट रिजर्व कुछ पड़ा तो वो पार्टनर को बांट दिया जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है देन वी विल अज्यूम के इक्वल, और दैट बिकॉज ऑफ पी एंड एल पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी एंड द जर्नल एंट्री विल बी पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू अमन्स कैपिटल टू हर्ष कैपिटल। नेक्स्ट इज हर्ष लोन ऑफ 6,000 वॉज डिस्चार्ज एट 6,200 रुपीज। हर्ष का लोन बुक में 6,000 का था बट उसे 6,200 पे किया जा रहा है। देखो 6,000 का तो लोन था, ठीक है, उस अकाउंट में चला गया, बाकी का जो 200 रुपीज एक्सेस में है ये कहाँ ट्रीट करेंगे? ये एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ रही है, तो आपको एक एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है जिसे रियलाइजेशन में पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी? हर्ष का लोन तो खत्म कर रहे हैं, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, बुक में कितना था ये मैटर करता है, ठीक है। बुक वैल्यू थी हर्ष के लोन की 6,000 रुपीज, बट 2,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। वी विल से कि 2,000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस बढ़ गया टू बैंक, इसकी वजह से बैंक क्या हो गया, कम हो गया। नेक्स्ट देखो, द फर्म पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 500 ऑन बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस। फर्म ने हर्ष के बिहाफ पे एक्सपेंसेस पे किए, जब पे हर्ष ने करने चाहिए थे फर्म ने पे कर दिए, तो फर्म का रियलाइजेशन एक्सपेंस कैसे हुआ? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हर्ष का एक्सपेंस था, हर्ष का एक्सपेंस फर्म ने पे कर दिया, तो फर्म क्या करेगी, हर्ष की कैपिटल को कम करेगी। फर्म के पास यही ऑप्शन बचता है ना अगर पेमेंट नहीं कर रहा। हाँ, बट क्योंकि फर्म ने पे किया हर्ष की वजह से, तो फर्म का कैश जरूर कम हो गया, तो दैट इज वाई हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,000 रुपीज जो फर्म ने हर्ष के बिहाफ पे किया, 5,000 है ना, यस। नेक्स्ट इज देयर वाज अ बिल फॉर 1,200 अंडर डिस्काउंट, मतलब जिसे डिस्काउंट करवा रखा था। द बिल वाज रिसीव्ड फ्रॉम सोहम हु प्रूव्ड इनसॉल्वेंट एंड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वाज रिसीव्ड फ्रॉम हिज स्टेट। 1200 का बिल डिस्काउंट करवा रखा था, मतलब कि बैंक में भेज रखा था और बैंक से पैसे ले लिए थे। अब जैसे ही वो इंसॉल्वेंट हुआ, बैंक को तो पूरे के पूरे 1200 रुपीस देने पड़ेंगे, यानी बैंक तो पहले 1200 से सीधा कम हो जाएगा क्योंकि एक तरह का लॉस हो गया, जो आपका बिल है वो डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर होने की वजह से बैंक कम हो जाएगा कितने से, 1200 रुपीस। सो द जर्नल एंट्री विल बी रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन क्यों डेबिट कर रहे हैं? इसकी दो होंगी, क्योंकि लॉस हुआ और लॉस को कहाँ ट्रीट किया जाएगा, रियलाइजेशन। अमाउंट कितने का है, 1200। 25% तो पैसा मिल रहा है ना, तो जो 25% मिल रहा है उससे तो पैसा बढ़ रहा है, मतलब मनी आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 25% मतलब एक चौथाई हिस्सा, और इसका 1/4 कितना हो जाएगा, 300 रुपीज। नेक्स्ट इज क्रेडिटर्स टू होम द फर्म ऑयड 6,000 एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। नाउ दिस इज लिटिल ट्रिकी, वैसे इतना भी नहीं है, जैसे 6,000 रुपीज़ एक क्रेडिटर को देने थे, वो 5,000 का स्टॉक ले गया और वो भी 5% डिस्काउंट का कंसीडर करके लेके गया, यानी कि 5,000 का स्टॉक भी पूरी मान के नहीं गया कि मैं 5 का लेके जा रहा हूँ, उस पर 5% डिस्काउंट लिया। 5% डिस्काउंट मतलब 250 रुपीज़ का डिस्काउंट, 5,000 का 5% 250, तो 4,750 रुपीज़ का तो वो स्टॉक लेकर गया मान के, बाकी का बचा हुआ बैलेंस कितना बचा, 1,250 आई गेस, यस।
तो यहाँ पर 1250 की एंट्री करेंगे, क्योंकि जब कोई क्रेडिटर एसेट ले जाता है उसकी तो एंट्री की नहीं जाती, बचे हुए अमाउंट की जाती है ना। तो 1250 की पेमेंट कर दी जाएगी, बैंक कम हो जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। द लॉस ऑन डिसोल्यूशन वॉज 8000। जो भी डिसोल्यूशन पर लॉस होता है या प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो पार्टनर की कैपिटल कम हो जाएगी क्योंकि लॉस हुआ, यहीं अगर प्रॉफिट हुआ होता तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाती। यहाँ पर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अगेन इक्वली ये लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो एज अ होमवर्क यू हैव टू कम्प्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम 41 to 44। होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन एनी पॉइंट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।